ये देखो भाई पूरा मार्केट है यहाँ पे सामान बहुत कुछ मिलता है, प्रसाद मिलता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं हूँ दिवाकर, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हम फिर से जा रहे हैं एक और जगह, और भाई वो जगह काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। जम्मू में काफी लोग हैं जिनको उस जगह के बारे में पता है। वो जगह है भाई बाबा सिद्ध गोरिया, सिद्ध स्वांख है जगह का नाम है, जो की विजयपुर में पड़ती है। तो भाई सीधा वहाँ चलते हैं, बाकी आगे की कहानी आगे की बातें आपसे तब करेंगे। रामू काका अच्छे से कपड़ा मारने का काका हो गया, वो यहाँ पे दाग रह गया। बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों जनता जनार्दन निकल चुकी है अपनी सवारी पे। दोस्तों अभी हम यहाँ पे रुके थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ भैंसों की यहाँ पे कानवाई चल रही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं सिद्ध स्वांखा, बाबा सिद्ध गोरिया के पास। तो यहाँ से हम गली में घुसे हैं, आगे अगर सीधा जाएंगे फ्रंट गेट है ना, वहाँ सीधा जाओगे तो फ्रंट गेट है, वहाँ भी पार्किंग का थोड़ा इशू होता है। तो इसे हम गली में घुसे हैं, ये वाली आपने बोर्ड देख लिया होगा। तो यहाँ पे है कि जो उसके बैक साइड है वहाँ हम पहुंचेंगे, वहाँ पे बहुत खुली जगह है तो वहाँ पे पार्किंग का इतना इशू नहीं होगा। तो भाई हम लोग पहुंच गए पीछे पार्किंग वाली साइड। हम लोग पहुंच गए पार्किंग में, गाड़ी लगा दी है, पीछे गेट है, जाते हैं अंदर, आप लोगों को भी दिखाते हैं। कहाँ आए हो आप? बोला हम आए हैं मंदिर माथा देखने के लिए। यह है ऋषु, जो लोग देखना चाहते हैं ऋषि, हमारा प्यारा सा बच्चा, छोटा सा, बहुत शैतान। हम लोगों ने गेट से कर ली एंट्री, अब जा रहे हैं सीधा आगे, आपको दिखाते हैं। भाई यहाँ तक तो भाई बहुत सही है, साइड में पीछे आप देख लो, पीछे हरा मैदान, जगह काफी अच्छी है, देखने में अच्छी है। चलते हैं आगे और देखते हैं। भाई हम लोग थोड़ी और आगे आ गए, पीछे आप देख सकते हो तालाब है। तो भाई जब भी लोग आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे नहाते हैं, नहाने के बाद पीछे मंदिर है वहाँ जाते हैं, मत्था टेक के आते हैं। बस हम भी जाएंगे। यह है वो पवित्र पानी जहाँ पे सब लोग आकर स्नान करते हैं। पापा गए हैं, मासड़ भी हमारे गए हैं नहाने, हम भी जाएंगे। मैं नहाऊंगा यार, मैं कपड़े लेके नहीं आया, लेकिन मैं मुंह धो लूंगा, सर पे पानी में डाल दूंगा, एक तरह से मैं भी फॉर्मेलिटी वाला स्नान करूंगा, पर मैं असली वाला डुबकी नहीं मारूंगा, बाहर से ही नहाऊंगा मैं। तो भाई अभी ऋषु ने भी नहा लिया है, हम भी थोड़ा हाथ में धोए थे, हम भी नहा लेते हैं। नहा लिया मैंने भी। अब हमने भी नहा लिया अपना, अपने हिसाब का हमने नहा लिया। अब जाएंगे मंदिर के दर्शन करेंगे, शायद वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी तो मैं वीडियो अंदर की शायद ना बना पाऊँ। बाकी भी भाई पूरी वीडियो में हमारे बाल कुछ ऐसे रहेंगे, थोड़े खराब रहेंगे, तो भाई समझ जाना आप लोग कारण क्या है, क्योंकि भाई हमने स्नान किया है पवित्र पानी में। आज सुबह सुबह मौसम ठीक था, यहाँ पे आया भाई धूप हो गई, अब गर्मी है, पर कोई नहीं, पानी ठंडा है, आराम से नहाओ, गर्मी को दूर भगाओ। भाई ऋषि को भी लग रही है गर्मी, वो भी कह रहा है वापस कूदना है पानी में, पर कितना ही।
मैं ना आपको मेन गेट में भी लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ भाई वहाँ पे कैसा दृश्य, भाई वो कैसा दिखता है, वहाँ पे क्या क्या मिलता है सब दिखाता हूँ आपको भाई। तो दोस्तों ये है मेन गेट जो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा बना है यार। अभी हम बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा मार्केट है छोटा सा, दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई पूरा मार्केट है यहाँ पे, सामान बहुत कुछ मिलता है, प्रसाद मिलता है, बच्चों का खेलने का सामान बहुत कुछ है यहाँ पे। तो अगर आप फ्रंट साइड से आते हो कुछ ऐसा व्यू आपको दिखेगा पीछे, आप देख लो। आपकी वीडियो बना रहे हैं हम। जय बाबी सिद्ध गौरियानाथ जी की, जय बाबी सिद्ध गौरियानाथ जी की, आप लोग को अच्छा रख दी, जय बाबे की। गौरियानाथ का मेला अच्छा से होता है, तगड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है, जय बाबे की। गौरियानाथ के आने से हर का मनोकामना पूरी हो जाता है, जय बाबे की जी, जय सिद्ध गौरियानाथ जी की, जय बाबे की। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको मतलब मंजर दिखने को मिलेगा जब आप फ्रंट गेट से आओगे, तो भाई आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी। ऐसा मार्केट है, गेट है, बहुत सुंदर है, जाते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं हम भी जाके। अभी तैयारी चल रही है अंदर मंदिर में जाने की, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि भाई अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो भाई बाहर से आप लोग देख लो नज़ारे। अभी जो ये वाला मंदिर था यहाँ पे मत्था टेका, अभी हम जा रहे हैं सीधा पीछे वहाँ पे, तो पूरा घूम के जाएंगे। चलो भाई चलते हैं दोस्तों, अंदर नहीं बाहर से बाहर से खींच सकते हैं। तो भाई अभी हम जो पीछे मंदिर आप देख रहे हो पानी की जो शिवलिंग था बहुत बड़ा, वहाँ पे हम मत्था टेक के आए। अभी हम पीछे जा रहे हैं उस साइड, वहाँ पे एक और मंदिर है, तो वहाँ पे जाएंगे मत्था टेकने जाएंगे। तो भाई अंदर ऑब्वियसली फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो भाई अंदर का मैं आपको सीन फिर से नहीं दिखा पाऊंगा भाई, माफ करना। तो चलो भाई मत्था टेक के आते हैं, और यहाँ पे लंगर भी है, तो भाई आज लंगर भी खा के जाएंगे। भाई अभी हम लोग आए भाई दर्शन करके आगे पीछे से, बाकी बहुत बड़ी जगह थी ना बाबा जी की, मतलब जो भी मेन बातें हैं भाई हमारे पिताश्री आपको बताएंगे। भाई बताओ सिद्ध गौरी का स्थान है सबसे बड़ा मंडली है बाबा की, जे एंड के में सबसे बड़ा स्थान यही है बाबा सिद्ध गौरिया का। तो दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा जानी मानी जगह है, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं चढ़ावा लेके आते हैं, आटा चावल कुछ भी लेके आते हैं, वो सब अच्छा आप जगह देख रहे हो, यहाँ पे सब जमा होता है, उसके बाद उसका प्रसाद बनता है, रोट बनता है। अभी हमने हर जगह दर्शन कर लिए हैं, अब बारी आती है लंगर में जाने की, आपको लंगर दिखाते हैं यहाँ पे जो लगता है। यहाँ से आने से चलो भाई हम भी चलते हैं अंदर, आते हैं आगे। थाली ले लाया, थाली ग्लास पानी ले। अच्छा यहीं से मिलेगा सर, पीछे आप देख लो थाली ग्लास जो भी आपने साथ में लेना है खाने के, सब कुछ यहीं पे पड़ा है, यहाँ से लेके आप अंदर जाओ आराम से खाओ। तो चलो ठीक है भाई, हम लोग बैठ के खाते हैं आराम से, बाद में आपसे मिलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग लंगर खा के आ गए हैं बाहर, जितने भी लोग यहाँ पे प्रसाद डालें कुछ भी चढ़ाते हैं उसका लंगर बनता है भाई, पूरे 12 महीने रोज ये लंगर होता है, कोई भी आके खा सकता है। यहाँ पे पीछे आप देख लो यहाँ बर्तन है, खाओ आराम से, बर्तन धो के वापस यहाँ पे रख दो, यहाँ पे आओ बर्तन उठाओ जाओ अंदर खा के आओ, तो मतलब पूरा 12 महीने चलता रहता है। तो भाई हमने दर्शन भी कर लिए, लंगर भी खा लिया, अब भारी है घर वापस जाने की। तो आई होप यार आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, यहाँ के दर्शन पसंद आएंगे। तो भाई आप लोगों को पता है क्या करना है, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट नहीं कर भाई कमेंट कर दो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।